हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान विद गाइडेंस में। ये वीडियो मेरी सीटेट दिसंबर 2019 सीरीज का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने सीटेट एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया था और जो उसकी डेट स्केड्यूल है वो डिस्कस की थी। तो मैंने उसमें बताया था कि हम जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के मेन पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज में हम पहला मेन पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एलिजिबिलिटी। तो हम देखेंगे कौन कौन कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है और कौन सा कैंडिडेट कितनी बार सीटेट का एग्जाम दे सकता है, ये सब बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, ये सीबीएसई द्वारा सीटेट दिसंबर 2019 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। इसमें सारी की सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, सारी की सारी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग सारी बातें डिस्कस करेंगे। इन्होंने देखिए फर्स्ट पेज पे ही लिखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 19 अगस्त को स्टार्ट हो गई थी और लास्ट डेट है 18 सितंबर। उसके बाद लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फी जो दी है वो है 23 सितंबर। उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन दिया है 8 दिसंबर। ये सब बातें हमने अपने पहली वीडियो में डिस्कस कर ली थी। तो नेक्स्ट देखते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के कंटेंट्स हैं ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम इसमें से जो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो अपना पहला पॉइंट शुरू करते हैं। यह देखिए सीटेट दिसंबर 2019 के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का 6 पॉइंट जो है वो एलिजिबिलिटी के लिए है। इसमें इन्होंने लिखा है, द फॉलोइंग पर्सन आर एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन सीटेट। मतलब आप फॉलोइंग में से अगर कोई भी एक क्वालिफिकेशन अक्वायर करते हैं तो आप एलिजिबल हैं सीटेट अप्लाई करने के लिए। तो वो सारी देख लेते हैं। 6.1 में इन्होंने मेंशन किया है पेपर फर्स्ट के लिए एलिजिबिलिटी, जो कि क्लास फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक होती है प्राइमरी स्टेज की। तो वो देख लेते हैं, दैट इज सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम। अगर आपने सीनियर सेकेंडरी विद 50% पास किया है और उसके बाद अगर आप 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन को पास कर चुके हैं या उसके फाइनल ईयर में हैं तो आप सीटेट अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड उन्होंने ऑप्शन दिया है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास्ट और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नोन इन अकॉर्डेंस विद द NCTE रिकॉग्निशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर रेगुलेशन 2002। 2002 में यह रेगुलेशन आया था कि सीनियर सेकेंडरी अगर आपने 45% के साथ पास किया है, ठीक है, और उसके बाद आप या तो पास कर चुके हैं या आप फाइनल ईयर में अपीयरिंग है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो भी आप सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं पेपर फर्स्ट के लिए। नेक्स्ट है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आपने सीनियर सेकेंडरी 50% के साथ पास किया है उसके बाद अगर आपने बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन 4 ईयर का जो कोर्स है वो पास किया हुआ है या आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप पेपर फर्स्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। अगर आपने सीनियर सेकेंडरी यानी कि +2 50% के साथ पास किया है उसके बाद आप 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन का जो कोर्स होता है वो अगर आप पास कर चुके हैं या उसके फाइनल ईयर में हैं तो भी आप पेपर फर्स्ट सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड। अगर आपने ग्रेजुएशन 50% के साथ किया है और बैचलर ऑफ एजुकेशन भी कर रखा है तो भी आप सीटेट पेपर फर्स्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा है एक पॉइंट बना के, हु हैज अक्वायर्ड अ क्वालिफिकेशन और बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एनी NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन शैल बी कंसीडर फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर इन क्लास 1st to 5th प्रोवाइडेड द पर्सन सो अपॉइंटेड एज ए टीचर शैल मैंडेटरीली undergo a 6-month bridge course in elementary education recognized by NCTE within 2 years of such appointment as primary teacher। इसका मतलब है अगर आप प्राइमरी टीचर के रूप में अपॉइंट कर लिए जाते हैं तो उसके बाद आपको एक 6 मंथ का ब्रिज कोर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE वो आपको करना पड़ेगा, तो तभी आप प्राइमरी टीचर के रूप में एलिजिबल होंगे। अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आप प्राइमरी टीचर बन जाते हैं तो आपको ये कोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद है 6.2, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग टीचर फॉर क्लास 5th
टू एट्थ एलिमेंट्री स्टेज, दैट इज टीजीटी, अगर आप अप्लाई करते हैं कहीं भी, ठीक है, तो उसके लिए आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है, अगर आप पेपर टू, सीटेट का पेपर टू भरना चाहते हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, ग्रेजुएशन एंड पास्ट और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ टू ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नो, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है, उसके बाद आप टू ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के फाइनल ईयर में है, या आपने वो डिप्लोमा कर रखा है, तो आप सीटेट का पेपर टू अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास्ट और अपीयरिंग इन 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन बीएड इन अकॉर्डेंस विद द एनसीटीई रिकॉग्निशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर रेगुलेशंस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दिस रिगार्ड। उसके बाद लिखा है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है 45% मिनिमम मार्क्स के साथ, ठीक है, उसके बाद आप बीएड कर रहे हैं या पास कर चुके हैं, ठीक है, तो भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एनसीटीई रेगुलेशंस जो है वो पूरी करते हैं, जो उनका क्राइटेरिया है वो अगर आप पूरा करते हैं, तो आप 45% मार्क्स के साथ और बैचलर ऑफ एजुकेशन अगर कर रहे हैं या पास कर चुके हैं, तो भी आप सीटेट टू अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्वेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका मतलब सीनियर सेकेंडरी अगर आपने 50% के साथ किया है, उसके बाद आप 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो आप सीटेट टू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्वेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बीए बीएससी एड और बीए एड और बीएससी एड, यानी कि अगर आपने सीनियर सेकेंडरी 50% के साथ पास किया है, ठीक है, या आप फाइनल ईयर में हैं, 4 ईयर कोर्स जो कि बीए या बीएससी एड होता है उस कोर्स में अगर आपने फाइनल ईयर में हैं, या वो पास कर चुके हैं जो 4 साल का होता है, तो आप सीटेट टू अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और अपीयरिंग इन 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन। अगर आप 50% के साथ ग्रेजुएशन कर चुके हैं और 1 ईयर बीएड के कोर्स में अपीयरिंग है या पास कर चुके हैं, तो भी आप सीटेट टू अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई इज एलिजिबल टू अपीयर इन टेट सीटेट। मोर ओवर एज पर द एग्जिस्टिंग टेट गाइडलाइन सर्कुलेटेड वाइड एनसीटीई लेटर डेटेड 11/2/2011 अ पर्सन हु इज परसुइंग एनी ऑफ द टीचर एजुकेशन कोर्स रिकोगनाइज बाय द एनसीटीई और आरसीआई एज द केस मे बी स्पेसिफाइड इन द एनसीटीई नोटिफिकेशन डेटेड 23/2010 इज ऑल्सो क्वालिफाइड टू अपीयर इन द टेट और सी टेट। इसके अकॉर्डिंग कोई भी कैंडिडेट जिसने बी एड अपीयर कर लिया है या बी एड अपीयर कर रहा है, तो वो किसी भी स्टेट का टेट दे सकता है और सी टेट दे सकता है, वो दोनों के लिए एलिजिबल है और यह एनसीटीई की गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग वो दोनों केसेस में एलिजिबल है, सी टेट में भी और किसी भी स्टेट के टेट देने में। तो ये थी हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि सीबीएसई द्वारा मिनिमम सीटेट क्लियर करने के लिए रखी गई है। अब हम बात करते हैं कि एक कैंडिडेट कितनी बार सीटेट का एग्जाम दे सकता है। अगर वो अपीयर कर चुका है तो क्या वो दोबारा सीटेट का पेपर दे सकता है, या कोई कैंडिडेट हर बार रह जाता है तो वो कितनी बार मैक्सिमम सीटेट का पेपर दे सकते हैं। देखिए, अगर एक कैंडिडेट अपीयर कर चुका है सीटेट, वो उसमें क्वालिफाई भी कर चुका है, और अगर उसे लगता है कि उसके मार्क्स कम हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम भी अपीयर कर सकता है, अपना जो स्कोर है वो इंक्रीज कर सकता है मेहनत करके। कोई भी कैंडिडेट सीटेट का पेपर जितनी बार चाहे दे सकता है, और उसके लिए कोई एज लिमिट भी नहीं है। कोई भी एज का पर्सन जिसने बीएड किया हुआ है या जो सीटेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अगर उसने वो अक्वायर करता है, तो वह सीटेट का पेपर दे सकता है और चाहे जितनी मर्जी बार दे सकता है, और अगर क्वालिफाई कर लिया है तो वो अपने स्कोर इंक्रीज करने के लिए भी दोबारा दे सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो सीजेट दिसंबर 2019 का सेकंड पार्ट। तो मिलते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के कंटेंट्स के नेक्स्ट टॉपिक में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एक सीटेट कैंडिडेट को पता होना चाहिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।